शिकवणारा आणि मनाला उभारी देणारा प्रवास कधी संपूच नाही असे वाटते. पण पाहता पाहता मैलाचे दगड, मैलाचे दगड यानी मैंने कहा था ना आप लोगों को, मैलाचे दगड कि जहाँ पे हम लोग कभी कभी अगर जब ट्रैवलिंग के लिए निकलते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में एक छोटे छोटे दगड़ होते हैं, वहां पे पैच ऐसा येलो और व्हाइट लिखा रहता है, और लिखा रहता है महाबलेश्वर 10 किलोमीटर, माथेरान 15 किलोमीटर. उसे कहले कहा मागे पड़त जाता था, नहीं अपन यून पोचतो वरंदा घाटात. हम लोग लास्ट टाइम यहां तक आए थे. ओके, अपन जाऊन पोचतो वरंदा घाटात. मनाला उभारी देने यानी मन प्रसन्न होने, मनाला उभारी देने मन प्रसन्न होने. ओके, मैं बहुत जोरों से बोल रहा हूँ यार, मैं बहुत जोरों से बोल रहा हूँ अभी. ओके, और जोर से बोलू. ओके, घाटा, बाकी सब घाटिया यानी छोटी छोटी वैली, घाटिया यानी छोटी छोटी वैली है. ये बहुत बड़ा घाट है, सांगितलं ना डोंगराचा वळण वळण घेत जाणारा रस्ता. आणि इथं आल्यावर वाटते पाण्यावर झुकलेल्या, लक्षात घ्या, पाण्यावर झुकलेल्या हिरव्या गच्च झाडीतून रोरावत बाहेर येणारे धबधबे. ओके, धबधबे यानी वॉटरफॉल, दरी यानी वॅली, हिरवं रान, ढगाळलेले डोंगर. अभी ये मैं बता दू, मैं सिर्फ रीड कर रहा हूँ. पावसाची सतत धार मोठमोठ्या दगडांवर आसूड मारत धावत खळाळत जाणारे पाणी, विहंगम विहंगम यानी ब्युटिफुल दृश्य डोळ्यासमोर येते आणि नजरेचे पारणे फेडून जाते. लक्षात घ्या, नजरेचे पारणे फेडून जाते ने सौंदर्य पाहून मन तृप्त. अभी क्या दिया देखो, अगर कोई भी घाट देखना है तो वरंदा घाटी है, बाकी सब घाटिया है. घाटिया ने छोटे छोटे रास्ते है. ओके, पण वळणा वळणाचा रस्ता जर बघायचा असेल तर तुम्हाला वरंदा घाटातच जावं लागेल असं इथे आल्यावर वाटतं. पाण्यावर झुकलेल्या, अभी पाण्यावर झुकलेल्याने इतनी बारिश होती है ना दोस्तों, इतनी बारिश कि पेड़ों पर इतना पानी जमा हो जाता है कि पेड़ जो है ना ये झुक जाते हैं. लक्षात घ्या, पेड़ झुक जाते हैं और उसी वक्त एक जोर से आती है. ओके, तो वैसे आवाज करते करते उस हवा के कारण जो वॉटरफॉल नीचे जो गिरते हैं, रोरावत रोरावत यानी एक मिनट ना, रोरावत रोरावत यानी रो रो आवाज करत बाहेर येणारे धबधबे, धबधबे यानी वॉटरफॉल्स. बघा, पानी के कारण झुकी हुई झाड़िया और पहाड़ों के बीचों बीच ऊपर से नीचे जोर जोर से रो रो आवाज करते करते आने वाले वॉटरफॉल, दरित हिरवर रान, दरी दरी यानी वैली. ओके, प्लीज राइट डाउन डिफिकल्ट वर्ड. दरी दरी म्हणजे दरित हिरवर रान, ढगाळलेले डोंगर. अभी ढगाळलेले डोंगर यानी क्या, आसमान में बादल होते हैं, लक्षात घ्या, काले घने बादल आसमान में. लेकिन वो बादल कभी कभी इतने नीचे उतर आते हैं ना, कभी कभी ते ढग जे आहे हे एवढे हम लोगों को पता चल जाता है, त्याला म्हणतात ढगाळलेले डोंगर. अभी वो पहाड़ है लेकिन ऐसा लग रहा था, आपके सामने देखो पिक्चर में दिखाई दे रहा है, पहाड़ों के ऊपर वो काले जो बादल है ना, वो बादल जमा हो गए हैं और ये जो पहाड़ है ये भी पहाड़ ऐसा लगता है मानो बादलों से घिरा गया. म्हणून ते सांगतात ढगाळलेले डोंगर, ऊपर से बारिश कंटिन्यू हो रहा है संतत धार यानी कंटिन्यू. क्या हो रहा है दोस्तों, इन पहाड़ों से वॉटरफॉल से जो नीचे पानी आ रहा है बहुत जोरों से फ्लो हो रहा है. लक्षा दिया, बहुत जोरों से फ्लो हो रहा है, इसलिए जो बड़े बड़े पत्थर है आसूड़ मारने यानी फटके देने, चाबुक का जो फटका मारते ना चाबुक, लक्षा दिया, तो उसे मराठी में बोला जाता है आसूड़. आसूड़ यानी चाबुक मारने, यानी जैसे धड़ाम धड़ाम बारिश जो पत्थर पे गिरती है और जो आवाज आते है त्याला म्हणतात आसूड मारत धावत खळाळत. पाण्याचा आवाज खळखळ खळखळ, हा पाणी का जो आवाज आता, जब पाणी पहाड़ होते नीचे
उतरता है ना, तो उसका जो आवाज आता है उस आवाज को त्याला मराठी मध्ये म्हटलं जातं खळाळत वाहणारे पाणी, असे निसर्गाचे विहंगम विहंगम यानी बहुत सुंदर दृश्य आंखों के सामने आती है आता है, और वो जो सौंदर्य पाहुन वो सुंदरता देखकर आंखें तृप्त हो जाती है, मन तृप्त हो जाता है, नजरेचे पारणे फेडून जाते, ऐसा दिया हुआ है। ओके, क्या पावसाळी वातावरण दोस्तों, सवाल ही नहीं। जब बारिश होती है हम लोग बारिश में भीग जाते हैं, तब गर्मा गर्म भजी, कांदा भजी, बटाटा भजी या गर्मा गर्म वड़ा पाव खाने की मजा, और उसके साथ मस्त अदरक वाली चाय। ओके, वाफाळीला ऐसी वाफ निकलती हुई चाय गर्मा गर्म, क्या पावसाळी वातावरण आज भजी बटाटा वड़ा भजी यानी कांदा भजी, बटाटा भजी, मूंग भजी, ओके, भजी वड़े चहा, असा चमचमी चमचमी त्याने टेस्टी मेनू मजबूत चापायला, चापायला म्हणजे खायला, प्लीज प्लीज राइट डाउन, चापायला चापायला म्हणजे खायला। वरंदा घाटातील टपरे, टपरे ने जो छोटे छोटे दुकान होते हैं ना, आप जा कहीं जाओगे मतलब पिकनिक स्पॉट जाते तो वहां छोटी छोटी झोपड़ी जैसे दुकान होते हैं, त्याला मराठी मध्ये टपऱ्या म्हणतात, जैसे हम लोग बोलते पान की टपरी यानी छोटी दुकान, टपऱ्यांसारखं दोस्तों वही है। फाइव स्टार में जो मजा नहीं आता फाइव स्टार होटल में भजी खाने का, वो मजा बारिश में भीगते भीगते उन छोटी छोटी दुकानों में आता है, म्हणून मजबूत चापायला वरंदा घाटातल्या टपऱ्यांसारखी दुसरी जागा नाही, लक्षात घ्या। और वरंदा घाट में एक देवी है दोस्तों, वागजाई, सॉरी आगे उसका दिया हुआ है या आप देखोगे लक्षात घ्या, तिथे ते दिलेला आहे श्री वागजाई, वागजाई यानी वहां उन पहाड़ों पर एक देवी का मंदिर है, उस मंदिर को जो देवी है उसे वागजाई देवी ऐसा कहा जाता है, त्यामुळे वागजाई च्या सोबतीने ओके वाफाळलेला चहा, वाफाळलेला यानी गरमा गरम, सॉरी सॉरी सोबतीने उभारलेल्या, उभारलेल्या बनाए हुए, उभारलेल्या म्हणजे बनवलेल्या, लक्षात घ्या उभारलेल्या बनवलेल्या टपऱ्यांमधून, टपरी यानी छोटी छोटी, हा राजेशाही खाना, मतलब वहां पे जब हम लोग जाते हैं ना दोस्तों, अगर आप बारिश में कहीं पिकनिक स्पॉट गए हो या कहीं घूमने गए तो आपको पता रहेगा वो बूटा रहता है मक्का मक्का, वो खाने में बड़ा मजा आता है, और उस वक्त वही हमें कोई कुछ भी दे, आपल्याला कोणी काहीही जरी दिलं तरी आपल्याला तो मक्का ती भजीच हवीशी वाटतात, नहीं नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे भजी दे दे, मुझे वो बुट्टा दे दे, इसलिए लेखक उसे राजेशाही खाना बोल रहा है, एक राजा को शोभा देता है असं ते खाणं असतं। टपऱ्यांमधून हा राजेशाही खाना अगदी ताजा ताजा तयार केला जातो, ताजा ताजा आहे गरमा गरम वही पे बना के दिया जाता, जैसे बनाया खत्म हो गया, बनाया खत्म हो गया, गरमा गरम कांदा भजी, आलं लसूण घालून तळलेला आलू पे, मतलब आलं लसूण पता ना, आले आणि अद्रक लसूण, अद्रक लसूण का पेस्ट होता है, मस्त असं टाकून गरमा गरम बटाटे वडा बनवला जातो, गरमा गरम बनवलेला बटाटे वडा आणि सोबत उसके साथ वाफाळलेला चहा, वाफाळलेला चहा, चहा याने वाफाळलेला चहा याने गरमा गरम किया हुआ चाय, ओके, वाफाळलेला चहा, ओके, हैव यू अंडरस्टूड ऑर नॉट, प्लीज एसएमएस मी इफ यू हैव एनी डिफिकल्टीज और एनी डाउट, वाफाळलेला चहा, ओके, चहा गरमा गरम चाय पीने की तो मजा अलग ही है दोस्तों, ओके, बाहर बरसनाऱ्या, बरसनाऱ्या यानी रेनिंग हो रहा है, रेनिंग बरसने यानी बारिश, बरसती है ना त्याला मराठी मध्ये म्हणतात बरसने, ओके, मस्त मजा थे, कभी जाइए दोस्तों बारिश में घूमने का मजा और है, अगर आप महाबलेश्वर माथेरान जाओगे तो अलग ही मजा आता है दोस्तों, या कोकण में अंबोली करके घाट है, अंबोली एक जबरदस्त मजा है। बाहेर बरसणाऱ्या पावसाकडे पाहत या गरमा गरम मेनूचा आस्वाद घेत रान वाऱ्याचं घोंगावण ऐकत, रान वारा याने जंगल का, जंगल की हवा, जंगल का वारा, तो वो जब जोरों से बहता है तो उसकी जो आवाज होती है
त्याला मराठी मध्ये म्हटलं जातं घोंगावणे, वाऱ्याचं घोंगावण, विजेचं लखन, वीज याने आसमान में चमकती हुई बिजली। अपने घर में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो नहीं दोस्त, आसमान में चमचमाती हुई जो बिजली होती है त्याला म्हटलं जातं वीज, आकाशातली वीज, त्याला आकाशातली वीज म्हटलं जातं, लक्षात घ्या। विजेचं लखन चमकणं आणि कडाडणं, थंडरिंग, ड्र, आसमान में बिजली कडाड करती है ना, मनाच्या हार्ड डिस्क वर स्टोर करत कसा वेळ जातो हे कळतच नाही। लेखक सांगतो मस्त गरमागरम भजी खायची, मस्त तो पाऊस पडतोय त्या पावसात भिजायचं आणि मस्त तो हवा वाहत असते गरम, मस्त थंडगार हवा, त्या हवेचा आस्वाद घ्यायचं, आकाशात चमकणारी वीज बघायचं, बघायची तिचं चमकणं बघायचं, और मन के हार्ड डिस्क में याने मन दिल पर, मनातली हार्ड डिस्क याने दिल पर, दिल में उसे स्टोर करते करते कैसा समय निकल जाता है ते आपल्याला कळत नाही। अभी सब खाना बिना हो गया, मस्त कांदा भजी होगी गरमा गरम, अभी पेट भर गया, आता पुन्हा वाटे चलो अभी बारिश में फिर से भिगने का मजा लेते, बराच वेळ गेल्यावर थोडस भिजावस वाटत, थोडा और भिगेंगे ऐसा लगता है, पाय मोकळे करावे शिवाय, पाय मोकळ्याने थोडा घुमना, थोडं डेअरिंग करावं, ते चल यार घुमेंगे मजा आएगा पागल और मजा आएगा, असं जर खरंच वाटत असेल तर इथं अशा जिगरबाज, जिगरबाज याने डेअरिंगबाज, हिम्मतवाले करायची, हिम्मतवाल्या भटक्यांसाठी, भटक्याने जो जिने घुमणे की आवड आहे लक्षात घ्या, ज्यांना भटकंती आवडते, फिरायला आवडत, अशा लोकांसाठी कावळ्या किल्ला सज्ज आहे, किल्ला याने फोर्ट, FORT फोर्ट, किल्ला, किल्ला याने फोर्ट, जाऊ आगे, कोई डाउट्स इस लाइन में, ये पैराग्राफ में, पक्का जाऊ का पुढे, तू काही डाउट आहे का इकडे? कावळ्या किल्ला तसा बराच मोठा आहे, अभी देखो कावळ्या किल्ला बद्दल अलग अलग नाम है ना दोस्तों, अलग अलग लगता है, सॉरी ये कई का नाम है दोस्तों, उस जमाने में नाम रख दिए गए, ओके। कावळा किल्ला तसा बराच मोठा आहे, तो फोडूनच, फोडून याने तोड कर, लक्षात घ्या, फोडून, फोडून याने तोड कर, प्लीज राईट डाऊन डिफिकल्ट वर्ड, फोडून, वरंदा घाटाचा शेवटचा टप्पा, टप्पा याने स्पॉट, लक्षात घ्या या स्टेप, या पॉइंट तयार केला गेला आहे याने, कावळ्या किल्ला जो है ना उसे तोडकर ये वरंदा घाट बनाया गया है। श्री वागजाई मंदिराच्या बरोबर वरच्या भागा, अभी वागजाई मंदिर है बीचो बीच है और ऊपर और पहाड़ है, लक्षात घ्या वागजाई मंदिर आहे, नंतर वरती काय आहे पुन्हा मोठा डोंगर आहे, मोठा डोंगर, लक्षात घ्या, डोंगर माथ्यावर, डोंगर माथ्यावर म्हणजे डोंगरावर, डोंगरावर उंच डोंगरावर 9 टाक्यांचा समूह आहे, टाकी आणि पाणी की टाकिया हुआ करती थी उस जमाने में हर किले पर, कोणे एके काळी तसे कावळ्या किल्ल्याचा, कावळ्या किल्ल्याचा एक भाग होता, भजी वडे चहाच्या टपऱ्यांच्या बाजूने अवघ्या 10 मिनिटा, मतलब ना वहां पे ना दोस्तों एक शॉर्टकट है, शॉर्टकट याद रखना, तिकडे मस्त पैकी शॉर्टकट है, त्या शॉर्टकटनी तुम्हाला कावळ्या किल्ल्यावर जाता यायचं, पटकन जाता यायचं, म्हणून तिथे दिले बघा, कावळ्या किल्ला तसा बराच मोठा आहे, तो फोडूनच वरंदा घाटाचा शेवटचा टप्पा म्हणजे वरंदा घाट तयार किया गया है। श्री वागजाई मंदिराच्या बरोबर वरच्या भागात ऊपर डोंगर माथ्यावर, माथा म्हणजे टॉप, माथ्याने लिख देना, माथ्याने टॉप, डोंगर माथ्याने पहाड ओके ऊपर, ऍट द टॉप ओके, डोंगर माथ्यावर 9 टाक्यांचा समूह, मतलब छोटी छोटी जैसी 9 टाकी, टाकी जैसे हम लोग बोलते ना सीमेंट का बनाते हैं, त्यावेळेला पाणी जमा करण्यासाठी तिकडे बनवायचं, इवन तुम्ही आजही शिवाजी महाराजांनी जेवढे किल्ले बांधले त्या किल्ल्यांवर गेलात तर तुमच्या लक्षात येईल की महाराजांनी ज्या पाण्याची जी तळी बांधली, टाक्या बांधल्या ओके, आजही त्याला पाणी येतं उपवरती डोंगरावर, लक्षात घ्या सिंधुदुर्ग किल्ल्यामध्ये, किल्ला जो समुद्र के बीचोबीच आहे, लक्षात घ्या तिथे आजही गोड्या पाण्याच्या विहिरी आहेत, कुए है वहां पे पाणी पिणे के, म्हणजे विचार करा काय त्यावेळी लोक हुशार होते,
पुणे एके काळी अने बहुत जमाने पहले लेखक सांगतोय भरपूर वर्षापूर्वी कावळ्या किल्ल्याचा तो एक भागच होता, म्हणजे वरंदा घाट जो आहे ना ये कावळ्या किल्ल्या को ये अटॅच था, आता तो वेगळा केलाय थोडासा, भजी वडे चहाच्या टपऱ्यांच्या बाजूने अवघ्या 10-15 मिनिटातच इथं जाऊन पोचता येतं, या जा सकते है हम लोग। बघा पाण्याला जीवन का म्हणतात, कभी दोस्तों अगर आपने ये जर्नी की है, आप बारिश के दिनों में अगर पहाड़ों पे घूमने जो लोग गए हैं, जी माँ गेलेले आहेत त्यांनाच माहिती आहे की पावसात डोंगरावर फिरायला जाण्याची मजा काय असते ते। म्हणून लेखक सांगतोय पाण्याला जीवन का म्हणतात हे इथं आल्यावर कळतं, क्योंकि ऊपर काही सोय नाहीये, लक्षात घ्या काही सोय नाहीये। काळ्याशार पाषाणात, पाषाणाने लिख देणार दगड, पाषाण म्हणजे दगड, पाषाण्याने दगड, पाषाण्याने दगड, काळ्याशार पाषाणा खोदलेली पाण्याची ती टाकी, याने नऊ पाणी की टंकी आहे, टँक है टँक पाणी, काले काले पत्थर में, क्योंकि पहले जमाने में पहाड़ों पर काले पत्थर ही मिला करते थे। तुम्ही जर महाराष्ट्रात फिरलात तर तुमच्या लक्षात येईल की महाराष्ट्रामध्ये तुम्हाला काळे काळे दगडच पाहायला मिळतात, लक्षात घ्या काले काले दगड ही आपको दिखाई देते है, तुम्हाला असं वेगळं दिसणार नाही ते काळे काळे दगडामध्ये कोण, इवन किले महाराष्ट्राचे जो भी किले है अगर आपने देखा रहेगा वो किले भी, ते किले देखील तुम्हाला काळ्या पाषाणातच पाहायला मिळतील, काळे पाषाण। खोदलेली पाण्याची ती टाकी कित्येक वर्ष, न जाने कितने सालों से बहुत लोगों की प्यास बुझा रहे, तहान भागवत असतील, तहान भागवत असतील, तहान यानी प्यास, भागवत असतील ने बुझाते होंगे कौन जाने पता नहीं। ओल्या वाटेने, क्योंकि बारिश गिरी थी तो पूरे रास्ते जो है ये कीचड़ से भरे हुए थे, गीले हो चुके थे, म्हणून ओल्या वाटेने परत जाताना अंगावरचे कपडे हमकास, हमकास याने यस होता ही है, रंगत्या याने उस पहाड़ों के बीचों बीच मिट्टी के रास्ते से चलते वक्त आपके कपड़े मिट्टी के कलर से भर जाते हैं, कारण पायवाट तशी रंगीली आहे, रंगीली याने अलग अलग रंगों से भरी हुई है, मस्त एकदम छोटी सी। कभी कभी बारिश में पता है ना मिट्टी होती है, कभी तुम्हें ऐसे जाता ना मस्त सरक सरक अपना पाय स्लिप हो जाता है डुंगू, आने मस्त अपन पड़तो सगे कपड़े कीचड़ में गंदे हो जाते हैं। पहले तो अभी माँ खेलने भी नहीं देती, थोड़ा भी मिट्टी में खेले बचपन में चिल्लाती थी, ए डर्टी बॉय कम हियर गो एंड वॉश योर हैंड्स विद डेटॉल ओनली, ओके। लेकिन दोस्तों बारिश करने की मजा, उसमें भीगने की मजा, मिट्टी में खेलने की मजा अलग ही है दोस्तों, अलग ही है, कारण पायवाट तशी रंगीली आहे, ओके। एकदा सॉरी सॉरी पायवाट याने ट्रेल, सततच्या वावरामुळे पाळ्याने मळलेली तयार झालेली वाट पायवाट म्हटलं जात। परत एकदा आपण डांबरी रस्त्याकडे येतो, डांबरी रस्ता याने डांबर का रस्ता, जिस रास्ते पर हम लोग चलते हैं अपने एरिया में है। परत एकदा आपण डांबरी रस्त्यावर येतो, उजव्या हाताच्या वळणावर याने उजवा हात, राईट हँड के टर्निंग पे, वळण याने टर्न, वळण याने टर्न होणं, ओके। उजव्या हाताच्या वळणावर कावळ्या किल्ल्याकडे जाणाऱ्या पायवाटेकडे नजर, डांबरी याने सिमेंट नाही, डांबर 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 याने अपने रोड जो होते ना वो डांबर के रोड होते, सिमेंट के रोड नहीं होते, डांबर को क्या बोलेंगे, काला काला जो होता है ना जिसे गर्म किया जाता है और रास्ते पे बीचों बीच फैलाया जाता है, ओके लक्षात घ्या, डांबरावर डांबर, 2 मिनट में बताता हूँ, डांबर गूगल में देखता हूँ क्या है, डांबर डांबर डांबर, अरे आपने रास्ते रास्ता बनाते हो नहीं देखा, डांबर ही बोला जाता है दोस्तों इन इंग्लिश, ओके रास्ता बनाया जाता है उससे,
और देखो ना पिक्चर में दिए हुए ना जो रोड है ना पिक्चर अपना अपने आंखों के सामने जो रोड है वही डामर के रोड है, कोल 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 भी नहीं बोल सकते उसको, ठीक है। देखो अपने आंखों के सामने जो रोड है, अरे हम लोग वही का इस गांव जाते हैं तो जो रास्ता होता है वो डामर का रास्ता होता है, सीमेंट का रास्ता अलग होता है दोस्तों, ओके। परत एकदा आपण डांबरी रस्त्यावर येतो, उजव्या हाताच्या वळणावर, वळणावर आहे ना टर्निंग पे, कावळ्या किल्ल्याकडे जाणाऱ्या पायवाडीत छोटासा मिट्टी का रास्ता, अगर राईट हँड के टर्न में जाओगे तो एक छोटा सा पायवाट, एक छोटा सा रास्ता दिखाई देता है, जो हमें कहाँ लेकर जाता है वो रास्ता, कावळ्या किल्ल्याकडे जाणाऱ्या पायवाटेवर नजर स्थिरावती है, नजर रुक जाती है दोस्तों, जिसको हम लोग शॉर्टकट बोलते हैं, शॉर्टकट, बांधियू पायऱ्या, पायऱ्या यानी स्टेप्स, ओके। हम लोग स्टेप्स बनाते हैं ना, हम लोग स्टेप्स बनाते हैं, या हम लोग जब घरों में ऊपर स्टेयर केस बनाते हैं तो हम लोग उसको बनाते हैं ना, तो जो बनाया जाता है चला मराठी मतलब तब बांधियू पायऱ्या, यानी आप कोई किले पर गए रहोगे तो हम लोग स्टेप्स चलते हैं, सिम बनाए हुए पत्थरों के स्टेप चलते हैं, चला मरा मतलब बांधियू पायऱ्या पार करून, पार करने यानी क्रॉस करना, पार करने क्रॉस करने, पार करून अरुंद, अरुंद यानी संकरा, छोटा सा, छोटा सा रास्ता, अरुंद यानी छोटा सा, प्लीज राइट डाउन, अरुंद, अरुंद यानी छोटा सा रास्ता, अरुंद पायवाटे ने कारवीरीचा, लक्षात घ्या कारवीर एक पेड़ का नाम है, एक प्रकार का पेड़ है ये कारवीर, कारवीरच्या झाडातून, ठीक है ना दोस्तों, वो इतना छोटा रास्ता है, इतना छोटा रास्ता है, अगर वहां से गिरे तो दूसरी दुनिया में, नहीं तो और कहां जाएंगे वो बता रहे हैं। देखो पायवाटे ने कारवीरच्या झाडीतून, झाडीतून यानी पेड़ों के बीच में से जाते वक्त हृदयाची धडधड, दिल की धड़कन वाढवणारा ट्रेक सुरू होतो, ट्रेकिंगला जातो ना आपण, ओके। नैरो अरुंद यानी नैरो भी हो सकता है यार, सरा शिंदे थैंक यू, और जोर से बोलू, अरे यार अभी कितना जोर से बोलू मैं, आपके मोबाइल का वॉल्यूम देखना प्लीज, चेक करना यार, मेरा गला दर्द होने लगा इतना जोर जोर से। कारवीच्या झाडीतून हृदयाची धडधड वाढवणारा ट्रेक सुरू होतो, वरंदा घाटाच्या उत्तर, लक्षात घ्या, ओके, नॉर्थला पसरलेल्या डोंगराच्या सोंड, जे हाथी का सोंड होता ना, हाथी का सोंड वैसा त्या डोंगराचा शेप आहे, लक्षात घ्या, हाथीचं जसं सोंड असते, सुंड जैसा होता, हाथी का जो नाग इतना लंबा होता है ना वैसा, ओके, लक्षात घ्या, कारवीच्या झाडीतून हृदयाची धडधड वाढवणारा ट्रेक सुरू होतो, वरंदा घाटाच्या उत्तरेला पसरलेला, लक्षात घ्या, नॉर्थ में पहले हुए उस पहाड़ों के ऊपर से जाते वक्त डावीकडे खाली वरंदा घाटाचा कोकणात, कोकण पता रहेगा, उत्तर उतरत जाणारा वळणा, वळणाचा रस्ता दिसतो, लेखक सांगतोय कि जैसे ही आप छोटे सी उस रास्ते से ऊपर चले जाओगे, ऊपर यानी कहा, ऊपर यानी कहा डोंगरावर, तो उसके जैसे जाओगे लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको ऐसा टर्न 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 लेते हुए एक रास्ता दिखाई देगा, वो सीधा हमें कहाँ लेकर जाता है, कोकण में लेकर जाता है, कोकण, कोकणात घेऊन जातो, डोंगराचा सोंडे यानी पहाड़ों का ऐसा नैरो होता गया रास्ता भाग, और वहां से अगर आप सट के पैर सटक गया तो पूछो मत, पाय सटकला कि थेट समर्थांचा, समर्थ यानी संत रामदास स्वामी, शिवाजी महाराज के गुरु उन्हें कहा जाता है संत रामदास स्वामी, जय जय रघुवीर समर्थ, उनका बोलना था कि थेट यानी सरल, थेट यानी सरल, शिवथर घड़ित, शिवथर घर यानी जहाँ रामदास स्वामी रहा करते थे, या उनका मठ है वहां पे, सुंदर मठ है वहां पे, वहां पे मतलब वहां से नीचे गिरे कि सीधा यहाँ तक गिर जाओगे, ओके, बिना गाड़ी के पहुंच जाओगे,
जर कोकण अगर आपको कोकण में नहीं जाना है तो आहिस्ता आहिस्ता चलने का, घाई गड़बड़ किया तो डायरेक्ट बिना टिकट के बिना पास के बिना मास्क लगाए ओके बिना कोरोना का टेस्ट किए हुए सीधा कहा जाओगे कोकणात, कोकणात भी कहा सीधा थेट समर्थांचा शिवथर घरी गळी ओके। तेव्हा जर कोकणात जाए अगर आपको कोकण में जा नहीं जाना है तो आहिस्ता आहिस्ता चलना है तर देशावरच्या माती देशावर येणे पश्चिम घाट देशावरच्या येणे पश्चिम घाट मतलब ये जो सातारा सांगली पुणा कोल्हापूर ये सब देशावर म्हटलं जातं त्याला उन्हें बोला जाते देशावर। मातीत सावधपणे पाऊल टाक आहिस्ता आहिस्ता बड़ी सावधानी से पैर डालते डालते जायला हव। डोंगर धारेच्या कड्यावरून डोंगर धार येणे डोंगर का छोटा सा रास्ता ओके कड्यावरून मतलब कॉर्नर पहाड़ों का कॉर्नर त्याला मराठी मध्ये कड़ा म्हणतात कड़ा पहाड़ों का जो कॉर्नर होता है ना तो वहां से जाना पड़ता है। जाणारी अरुंद नैरो पायवाट एका सपाटीवर येऊन थांबते मतलब वहां से चलते चलते जाओगे फिर ऊपर आपको एक प्लेन एक जगह मिलेगी प्लेन जगह तशी सपाटी ही अरुंधत आहे आणि वो प्लेन जगह भी कोई बहुत बड़ी जगह नहीं है वो भी थोड़ा नैरो ही है लक्षात घ्या। त्यामुळे कावळ्या घाटावरून चालताना अगदी हळू 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 चाललं पाहिजे जरा जरी पाय सटकला हे राम सीधा समर्थांच्या शिवथळ गळीत म्हणजे कोकणात तशी और बाद में वहां से थोड़ा चल के चल के आगे जाओगे तो छोटा सा और एक छोटा सा प्लेन सरफेस वाला प्लेस मिलता है जरा मराठी मध्ये सपाटी सपाटी यानी प्लेन तशी सपाटी ही अरुंद अरुंद याने नैरो अरुंद याने नैरो ओके। शायद अपना टाइम हो गया दोस्तों पांच पांच बज गए क्या टाइम हो गया फाइव फाइव नेक्स्ट पैराग्राफ है अपना शिवथळ घर याने समर्थ रामदास याने या ठिकाणी दासबोध दासबोध याने समर्थ रामदास इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है जिस ग्रंथ का नाम है दासबोध। तो ऐसा कहते हैं ये जो दासबोध है ये इस जगह पर उन्होंने बैठ के लिखा था इसलिए उस जगह को शिवथळ घर ऐसा कहा जाता है। जब जागे मध्ये बसून त्यांनी दासबोध बहुत बड़ा ग्रंथ है दोस्तों जय जय रघुवीर समर्थ करके रामदास स्वामी इनका एक ग्रुप भी है यहाँ पे गीता भगवत गीता जो उसके समान इसका दर्जा है इतना बड़ा ये ग्रंथ है उनकी वाणी से निकला हुआ ये ग्रंथ है ठीक है। हम लोग यहाँ तक रुक जाते हैं मेरे तरफ से एक होमवर्क यही है कि लेसन यू हैव टू रीड टू टाइम्स विदाउट फेल यही मेरी तरफ से होमवर्क है। अधिक से अधिक आपको रीडिंग करना है बस बाकी कुछ नहीं फिलहाल हम लोग रीडिंग करेंगे राइटिंग का बाद में देखेंगे जब अपना लेसन हो जाएगा ओके। थैंक यू गॉड ब्लेस यू टेक केयर एंजॉय ओके बाय 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 ध्रुव सर ओके सर थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स वी विल टेक अ लिटिल ब्रेक राइट नाउ आई विल कीप द लेक्चर ऑन।